दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल UPS LR HDTech में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 8/11/2021 को एक आदेश आया है जो MDM से संबंधित एक आदेश है, जिसमें सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण संचालन के संबंध में है कि खाना कैसे सुरक्षित और सही और गुणवत्ता से युक्त बने। तो देखते हैं क्या है, क्या आदेश है, उसके बारे में पढ़ते हैं और आपको भी जानकारी मिले, हमको भी जानकारी मिले। तो वर्तमान में COVID-19 और संचारी रोगों के नियंत्रण के दृष्टिगत मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत आच्छादित विद्यालय निम्नत कार्यवाही संपादित किया जाना आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से विद्यालय कैंपस के साथ साथ किचन का भी नियमित सैनिटाइजेशन कराया जाए। किचन कम स्टोर में समुचित दरवाजे खिड़की पर्याप्त प्रकाश पर्याप्त वायु संचार एवं जल निकासी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मध्याह्न भोजन पकाने की प्रक्रिया में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण पेयजल जल निकास का समुचित प्रबंध किया जाए। रसोइया द्वारा भोजन पकाने की प्रक्रिया में किचन कम स्टोर प्रयोग किए जाने वाले बर्तन और हाथों को भली भांति साफ किया जाए। फेस कवर मास्क का समुचित प्रयोग किया जाए। विद्यालय में भोजन करने से पूर्व व भोजन करने के पश्चात छात्रों को हाथों को धोने हैं तो हैंड वॉशिंग यूनिट विकसित की जाए। साथ ही भोजन ग्रहण करने हैं तो थाली गिलास की साफ सफाई हेतु प्रयोग किए जाने वाले स्थान पर साफ सफाई एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। उल्लेख है कि प्रदेश के समस्त प्रसिद्ध विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 मूलभूत अवस्थाओं सुविधाओं से संतृप्त करने का अभियान गतिमान है, जिसमें मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट का निर्माण भी सम्मिलित है। मल्टीपल हैंड वॉशिंग कंपोजिट स्कूल ग्रांट निकाय पंचायत प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड जिला खनिज निधि जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम विद्याजली 2.0 इत्यादि के द्वारा से कार्य किया जा सकता है। उपरोक्त के जनपदों द्वारा प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों ये आदेश था और ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।